हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस वीडियो सिक्स स्टैंडर्ड हिंदी लेक्चर नंबर सिक्स। मेरा अहोभाग्य सुलभ भारती महाराष्ट्र बोर्ड। देन दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर एक बार वीडियो आपके लिए, मेरा अहोभाग्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें सिर्फ सुनना है और समझ लेना है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना चंद्रगुप्त जी, हम लेके आएंगे इस टॉपिक पर भी धमाकेदार वीडियो। देन दोस्तों, हम लेके आए हैं चंद्रगुप्त जी का टॉपिक, जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य। एक बात दोस्तों सिर्फ याद रखना कि आपको क्या याद रखना है, हर टॉपिक के जो जिन्होंने भी टॉपिक लिखा है उनके नाम आपको माइंड में ऐसे बिठा लेने हैं और वो कभी भी नहीं निकालने हैं। वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेरा अहोभाग्य के लेखक कौन थे, फिर आप क्या लिखोगे, क्या डैश डैश लिखोगे का? नहीं, हमें इधर लिखना ही पड़ेगा आंसर, फिर क्या करोगे, इसलिए हमें आंसर लिखना होगा। तो इसलिए हमें याद करना होगा ना, तो आपको ये याद कर लेना है माइंड में। तो दोस्तों, इनका जन्म है वो 1906, मतलब 1906 में उनका जन्म हुआ था। रचना है उनका मृत्यु या है भी नहीं, इधर दिया नहीं है, वो हमारे उस पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, अब ज्यादा दिमाग मत करिएगा। रचना है उनकी देखते हैं थोड़े दिन, संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, तीन दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनके बहुत सारे रचना है, मतलब उनके बुक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी है। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ ना, तो आप क्या कीजिएगा, गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, तीन दिन, भय का राज्य, देव और मानव, ये सारे बताया ना, ये सारे एक बार सर्च करके दिखेगा, या फिर चंद्रगुप्त विद्यालंकार की स्टोरीज है, फिर ऐसा सर्च कर देगा ना, आपको इनकी स्टोरी सारी मिल जाएंगी। आपको बता रहा है सिर्फ आपको देखना है कि ना आपके मन पर है। उनका परिचय भी थोड़ा दिल देख लेते हैं। आपकी साहित्य एवं अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र, मतलब वो पत्रकारिता मतलब राइटर थे, वो पत्रकार मतलब जो लोहे होता है ना पेपर में, उसमें वो लिखते थे, तो बहुत अच्छा काम है दोस्तों। प्रस्तुत पाठ मतलब इस पाठ में वो क्या हम देखने वाले है, जो लेखक है ना, मैं लेखक, प्रस्तुत पाठ में मैं लेखक, मतलब भाई ऐसा चंद्रगुप्त करे, प्रस्तुत पाठ में मैं लेखक, प्रत्येक पाठ में चंद्रगुप्त जी क्या करने वाले हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, उनके साथ उनकी भेंट थी, तो उसके साथ क्या क्या उनका खड़ा, मतलब उनका प्रसंग, वो इस चैप्टर में देखने वाले। अब रविंद्रनाथ ठाकुर कौन है आपको पता है दोस्तों, वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इंडिया का जो सोत्र ना वो क्रिकेट की शुरुआत में, फिर कभी भी कहते हैं ना मैं स्कूल में जनगणमन कहते नहीं का जनगणमन अधिनायक जय है, वो कहता है ना पूरे इंडिया का होता है, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरे इंडिया का उन्होंने लिखा, इतना ही नहीं तो बांग्लादेश का भी उन्होंने ही लिखा है, पता है आपको, और कितने लिखे मुझे लगता है इन दोनों को ही उन्होंने लिखा है, बट रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्लादेश का लिखा है। उनका पैसा चलेंगे ना बांग्लादेश स्तोत्र फिर को जो भी होता है ना वो हिंदी में या फिर मराठी में, तो आपको वो मिल जाएगा, फिर आप वो पढ़ सकोगे। तो दोस्तों, उनका भी बहुत अच्छा वाला शासन है, तो हमारे जनगण है ना उनका भी उसका बहुत अच्छा है, वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। हमारे दोस्तों, अब हमारे चित्र देखकर उचित सर्वनाम, ये जो गोल होता है ना ओवल शेप गोल में, हमें जो ओवल शेप गोल दिए हुए उनमें हमें क्या करना है, ये कुछ सर्वनाम लिखने, मैं आपको ये बताने वाला खुद कौन सा है, तू, मैं, वह, यो, क्या, जैसा, वैसा, अपने, बाप, ये सब आपने देखा है। तो दोस्तों, तू
अब शुरुआत में मैं देखना है तुम्हें, क्योंकि ये शुरुआत वाला जो इमेज है उसमें मैं ही बैठ रहा है, तो शुरुआत वाले इसमें क्या हुआ, शुरुआत वाले इसमें बैठेगा मैं, तो लिखूंगी ना मैं, हाँ मैं लिखू ना मैं, चलो तो लिखूंगा इधर मैं। अब इधर क्या लिखूंगा मैं, मतलब ये सेकंड वाले इमेज में देखा था मैं तू, ये क्योंकि इसकी बहन कह रही से अब तू घर चल, आ वो अब घर जाने, इसलिए सेकंड पिक्चर में तू आएगा, थर्ड पिक्चर में आएगा यह फ्लावर पॉट। रुको 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 रुको, यह मैं पूरी चीजें नहीं लिख सकूंगा दोस्तों, जैसे आपको मुंह से दिखाया तो चलता है ना दोस्तों, मुझे बोलूंगा तभी भी चलेगा ना, हर चीज में थोड़ा ना लिख सकता हूँ। अपन दोस्तों क्या कीजिएगा, आपसे मैं बोलूंगा आप लिखिएगा, चलता है ना। हाँ तो दोस्तों अब शुरुआत में लिखिएगा मैं, ये शुरुआत की इमेज में है मैं, सेकंड वाले में है, या आपको सिर्फ नोटबुक में मतलब टेक्स्ट बुक में ही, टेक्स्ट बुक यानी हमारा जो स्कूल है, फिर हमारे टेक्स्ट बुक यानी नोटबुक यानी आप जिसमें होमवर्क वगैरह लेते हैं वो नोटबुक। तो दोस्तों शुरुआत वाले जो टेक्स्ट बुक में मतलब टेक्स्ट बुक में क्या लिखना है, शुरुआत वाली इमेज में है मैं, सेकंड वाली इमेज में है तू, थर्ड वाली इमेज में है वह यह, तीसरी वाली में है, तीसरी वाली इमेज में मैं दिया तीसरी वाली इसमें हमने यह लिया था ना, तो इस वाली में चौथी वाली इसमें अपने आप लिखने, या अपने आप को यो अपने बाहर आ गया ना, ये अपने आप हमें लिख लेना है। और फोर्थ पिक्चर फिफ्थ पिक्चर में हमें क्या लिखना है, फिफ्थ पिक्चर में हमें वह लिखना है, शुरुआत में यह इस बार वह, और ये वाला पिक्चर है ना ये दो लड़कियां वाली, जैसा वैसा क्यों पता है, क्योंकि जैसा म्यूजिक लगाओगे जैसा म्यूजिक सुनोगे, तो ये म्यूजिक सुन रही है देख रहे हैं ना मोबाइल पर, सुन रहे हैं तभी मोबाइल है। तो दोस्तों फिर ये लास्ट एंड डेट पिक्चर, इस पर हमें क्या दिया हुआ है, एक लड़की और एक लड़का है, और वो लड़की मतलब वो लड़की को पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कह रहा है मेरा नाम डैश डैश है, या जिसका जो भी नाम हुआ वो कहेगा मेरा नाम है वही। तो दोस्तों ये इधर हुआ क्या, क्योंकि इसमें सर्वनाम है लेने, शुरुआत अलवर नहीं लेना है दोस्तों, क्या इसमें कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम मतलब नाम की नाम पर जो आता है सर्वनाम, मतलब नाम के लिए जो उपयोग किया जाता है शॉर्ट में लेने के लिए उसे सर्वनाम कहते हैं। फरवरी 1936 में, अब आपको क्वेश्चन आएगा किस साल में और किस महीने में ये जो भेड़ थी मेरा भाग्य में वो गुरुदेव और लेखक की हुई थी, तो फरवरी 1936 में हुई थी। मैं मुझे शांति निकेतन जाना था, किधर जाना था, शांति निकेतन जिधर रहते थे कौन, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, बहुत उसमें बहुत सारे साहित्य वाले चीजें होने वाली थी, और मतलब सॉन्ग्स फैंसी ड्रेस वगैरह वगैरह, तो मैं बहुत उल्लासित था जो, क्योंकि उसके जो कार्यक्रम के जो अध्यक्षता थे वो कौन थे, स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे ना ठाकुर, वो इस जगह के मतलब इसमें इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए, कोलकाता मतलब कोलकाता से थे और वो कोलकाता से उधर शांति निकेतन गए। वो अब आपको पूछेंगे कोलकाता में क्यों थे, कोलकाता में ये चंद्र गुप्त जी थे वो थे। अब लगभग एक दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भव
में ठहराया गया, मतलब एक दर्जन वाले बिंदी वालों को, एक दर्जन यानी 12 कह रहे हैं, मतलब 12 लोगों को इधर बैठाया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत सुंदर तो जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल में एक कमरे में हमें ठहराया गया। ठहराया मतलब उधर हमें उन्हें रखाया गया, उधर तूने रखा था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे के में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष था। दूसरी दिन प्रातःकाल मतलब दूसरे दिन जब था उधर क्या हुआ, तब क्या था, गुरुदेव के स्वास्थ्य ठीक नहीं। स्वास्थ्य मतलब उनका कुछ तो प्रॉब्लम होगा या फिर बुखार आ गया उनका, उन्हें बुखार आया था ऐसा इधर, मतलब देखा बुखार या फिर उनका कुछ पार्ट को मतलब दुख रहा होगा, पेट पार्ट, हाथ दुखता है, कभी पेट दुखता है, वैसा कुछ हो सकता है। तो अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे ऐसी सूचना है। मैं बहुत निराश हो गया। वो निराश था मतलब जो चंद्रगुप्त जी थे वो बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा मेरा नसीब ऐसा क्यों थे कि मुझे उनकी मतलब क्या है उनकी मतलब मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगा, उन्हें नहीं मिल सकूंगा ऐसा उन्हें लगा। बट हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, 15 मिनटों उनसे बोल सकते हैं ऐसा उन्हें क्या, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। तब हमारी खुशी ठीक हुई, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा था वह कि मतलब उसे लगा थोड़ी तो मेरी किस्मत अच्छी है भाई। और वो था ना उसकी मतलब एक एक सेकंड था ना वो एक एक दिन जैसा लग रहा था देख, क्योंकि कि वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ओ माय गॉड जिन्होंने हमारे पूरी इंडिया का और बांग्लादेश का इन दोनों देश का गीत लिखे है, तो इन दोनों देशों के इसलिए इन्हें मान मिलता है, तो इतने बड़े लोग को मैं मिलने वाला हूँ ऐसी बात सुनकर आप नहीं कब खुश होते। वैसे ही चंद्रगुप्त जी खुश हुए। अब दोस्तों बहुत पाठ में हमें मजा आने वाली है, इसलिए मैंने कहा था ना पाठ में हम बहुत बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा करने वाले हैं। मैं वह कुछ आराम में लिख गया ना, फिर भी देखा तो मजाक में उन्होंने कहा मतलब क्या, पर उन्होंने जब देखा कि हम सब अरे वाह ओ माय गॉड कि 14 लोग आए हुए हैं, तो वो क्या हुआ, उन्होंने हंसकर कहा कि अब मेरी मतलब मजाक में ऐसे मजाक करते हैं ना कि ऐसा ही है, तो उसमें उन्होंने क्या मजाक किया, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, इस मकान में जगह की भी कमी है। मतलब दस्तुति जो बच्चे को समझती है उन्हें समझ आता है, आपको तो समझ आ गया होगा, तभी बताना बगैर काम है कि अब मेरी क्षमता दरबार चलने लगने की नहीं है। मतलब अभी राजा ने सीधा इधर से 12 लोग ऐसे बैठने के दरबार लगे, उनकी उम्र नहीं है और इनकी क्षमता नहीं है भाई, तो इतना छोटा मकान है मेरा तो इस जगह में इतने सारे लोग कैसे बैठेंगे, ऐसा उन्होंने ऐसा मजाक में कहा दिया। फिर हम सब को गुरुदेव से परिचय कराया गया।
बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा से के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले क्या हुआ था, जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया। पर 50 बरस पहले मैंने क्या किया था, मैंने कहानियां, मतलब कहानियां कथाएं या जो भी आप कहते होंगे वो मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तब क्या था, तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरा प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है, इसलिए पहले के इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मतलब पहले का मैं बांग्ला भाषा में कोई नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। मतलब क्या होते थे, ग्रामीण, रुको क्या बोले, ग्रामीण जो थे, ग्रामीण लोगों की क्या होती थी, ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति होती, दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसी ही चीज थी है जो संस्कार के किसी भी देश के आदमी को भी को भा सकती है। ऐसे संस्कार थे उसमें दोस्तों, इतने महान है वो लोग, समझ रहे हैं आपको, क्योंकि मनुष्य स्वभाव को तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। मतलब मनुष्य आखिर मनुष्य होता है, उसका स्वभाव किधर बदल सकता है क्या, नहीं। देन दोस्तों, गुरुवर देव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला वह हमारे यह आता था और हम सब उसका बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। ऐसा उन्होंने सोचा था कि उनकी इधर एक काबुली वाला आता था। तो क्या हुआ था, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि उसके छोटी लड़की है होगी और जिसकी वो क्या करता, याद करता होगा। उस इसी तरह वार्तालाप होता रहा, वार्तालाप उनका क्या होता, होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट में बजाय 40 मिनट को हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े, मतलब क्या था, 15 मिनट का डॉक्टर ने समझ दिया, बट गुरुवर यह मतलब गुरुदेव को बोलकर कितने मिनट हो गए थे, 40 मिनट्स हो गए थे, 40 मिनट्स, 40 मिनट, राइट ना। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप में लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों ने बातचीत करने में आनंद आता है। मतलब ऐसा नहीं मानिएगा कि मुझे कम बात करने की आदत है, बट उन्हें जो उन्हें आनंद बहुत होता है, बट उनकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए वो बोल नहीं सके। सबने मतलब मान लिया, उन्हें समझ गया। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह में मेरे कमरे में वापस गया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। असाधारण उल्लास, असाधारण नहीं, असाधारण मतलब साधारण नहीं था, ऐसा उल्लास की मुझे अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था
उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, मतलब उन्हें जिस कमरे में था ना चंद्रगुप्त जी को, तो उसी कमरे में बहुत दिन वो थे। तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। अहो ओहो ओहो अब कहते ओ वैसा इधर ओहो दिखाया। मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा। वो गीतांजलि जो था ना वो इसी कमरे में लिखा था जिस कमरे में चंद्रगुप्त जी थे। गीतांजलि एक ऐसी बात है उसका अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग उन्होंने इसी कमरे में लिखा था जिस कमरे में चंद्रगुप्त जी थे। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है, मतलब ये उन्हें लगा मैं सब सपना है क्या फिर सच है, वो उन्हें समझ ही नहीं आया। मतलब ऐसा होता है ना कि ये क्या हो रहा है भाई, हमें समझता ही नहीं, इतना बड़ी चीज हो रही है कि हमें समझ ही नहीं रही, ऐसी भी बहुत बार होती है। मेरा सौभाग्य है था कि मैं उसी कमरे में ठहरा गया जिनमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। नोबल प्राप्त पुरस्कार जिसे नोबल प्राप्त पुरस्कार मिला था उसी कमरे में वो रहे। फिर उन्हें समझा अरे नहीं मेरा बहुत अहोभाग्य है, मेरा भाग्य बहुत ज्यादा है, अहोभाग्य मतलब बहुत ज्यादा भाग्य है। मैंने शुरुआत में बिना काम से कह लिया कि मेरा बिल्कुल भी अहोभाग्य नहीं, सचमुच मेरा है यह बहुत अहोभाग्य। अब मैं क्या कर रहा है, जो स्वाध्याय है ना हमारा वो मैं सॉल्व कर देना। क्या है हमारा, हमें खोजबीन नीचे दिए गए नोबल पुरस्कार प्राप्त दिए हुए मतलब उन कौन कौन सी है वो हमें देख लेना है। अब हमें किसी वेबसाइट मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें वो देखना है वो। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ ना आपके साथ, फिर डरने की बात नहीं। आपको क्या करना है मेरी बात सुनो, आप क्या करना शुरुआत में नोबल www.nobel.award इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। अब क्या करना, मेरे एक काम ही करना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और फिर क्या करना, उस लिंक से आप क्या करना डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो कि मतलब, और इधर से इधर लिख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो दोस्तों आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही मैंने दी हुई है, चलता है ना। सब्सक्राइब कर देना हाँ, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने पर उधर आपको बेल आइकन आएगा, बेल आइकन क्लिक करने पर हो गया नोटिफिकेशन ऑन। फ्री है ना हमारे साथ, फ्री है एजुकेशन के लिए लोगों के बच्चों के लिए। हम आप सब्सक्राइब अभी कर देना, कुछ भी आपको टाइम नहीं जाता, क्या लगता है उसे फ्री है पूरा सब्सक्राइबर, और बेल आइकॉन भी फ्री है। और जिन बच्चों ने कर दिया है उनको मेरा धन्यवाद, और नोटिफिकेशन तो आपको ही मिलने वाली है राइट ना, या फिर मुझे मिलने वाले हैं, आपको ही मिलेगी ना। तो प्लीज मेरे लिए आप क्या करना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, मेरे लिए कर दीजिएगा ये सब। फिर अब मुझे ना बहुत आपकी वजह से क्या आ रहा है, उल्लास आ रहा है, क्योंकि अब इसकी जगह मुझे भी उल्लास आ रहा है इसकी तरह, क्योंकि बोलूँ तो आप मुझे इतना साथ दे रहे हो, इसलिए मुझे आपका बहुत अच्छा है। बस आप सब्सक्राइब ही कर दो ना दोस्तों, लगता है कितना टाइम है मेरे लिए, बस सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, और अब हमारे बहुत सारे वीडियोस अभी तक रह गए हैं, देख रहे हो ना मैं नीचे नीचे ले रहा हूँ, कितने टाइम से आपको लगा क्यों ले रहा हूँ, कितने टाइम से ले रहा हूँ, बहुत रबा हो चुकी है ना। ये तो सिर्फ हिंदी हो गया, अभी तक हमारा मैथ्स भूगोल साइंस मराठी इंग्लिश मैथ्स वगैरह 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 सब कुछ बाकी है।
सहमत मान, हमारा वैसे तो बहुत कुछ हो चुका है, बट हमारा वैसे बहुत बाकी भी है ना, नहीं है क्या? हमारा बहुत सारा वक्त बाकी है दोस्तों, इसलिए आप ऐसा ना मत मानना, मेरा भाग कम बाकी है। तो दोस्तों चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, बेल आइकन क्लिक करता हूँ तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चलता है? मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।